हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रोड्यू एजुके मैं आपका मनीष सर आज हम डिस्कस करने वाले जेडब्ल्यू एडवांस का एक और क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आया था पेपर टू में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ओके क्या बोला इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया है एम इज इक्वल्स टू समथिंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रेस इज इक्वल्स टू एम रेस टू टू जीरो टू टू ओके अभी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा जो टेक्निक होता है वो होता है कि पहले अपन फाइंड आउट करें वॉट इज एम स्क्वायर व्हाट इज़ एम रेस टू M³, what is M raised to 4? इससे अपने पावर टू टू जीरो बट इस क्वेश्चन में एक ट्रिक पार्ट ये था कि वी आर टू स्प्लिट द मेट्राइस ओके जो मैट्रिक्स था उसको अपने को करना था, फिर बाद में ये चीज अप्लाई करना था अभी स्प्लिट क्यों करना पड़ा क्योंकि डायरेक्टली अगर आप करोगे एम स्क्वायर और एम क्यूब पैटर्न नहीं मिलेगा ठीक है आप ट्राई करके देख सकते हो तो पैटर्न नहीं लिखेगा तो so, इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं देखो यहाँ पे और स्प्लिटिंग बहुत सिंपल है यहाँ पे देखो यहाँ पे ये यह जो मैट्रिक्स है एम इज इक्वल टू फाइव बाई टू थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू एंड माइनस वन बाय टू इसको मैं लिख सकता हूँ ये फाइव बाई टू को मैं लिख सकता हूँ थ्री बाई टू प्लस वन ये जो थ्री बाई टू है इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री बाई टू प्लस जीरो माइनस थ्री बाई टू को मैं माइनस थ्री बाई टू प्लस जीरो एंड ये जो माइनस वन बाई टू है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस थ्री बाई टू प्लस वन ये समझ आया देखो थ्री बाय टू प्लस वन फाई बाई टू थ्री बाई टू प्लस जीरो थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू प्लस जीरो माइनस थ्री बाई टू और माइनस थ्री बाई टू प्लस वन माइनस वन टू ठीक है इससे क्या कर सकते अपन आगे एम इज इक्वल टू थ्री बाई टू थ्री बाय टू माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाय टू प्लस वन जीरो वन जीरो वन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया ठीक है सो वी कैन राइट दिस हैज थ्री बाई टू वन वन माइनस वन वन सॉरी माइनस वन माइनस वन प्लस वन जीरो जीरो वन बराबर अभी एम को वी आर स्प्लिटेड इन टू टू पार्ट्स ओके और ये जो दो पार्ट्स है इसको लेके मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ वी कैन फाइंड वॉट इज एम एंड प्रोसीड करते हैं सो एम इज इक्वल्स टू आई कैन राइट इट एज लेट सपोज थ्री बाई टू ए प्लस आई ओके ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नाउ इफ आई ट्राई टू फाइंड एम स्क्र वॉट बी एम स्क्वा एम स्क्वायर इज थ्री बाई टू ए प्लस आई द होल स्क्वायर सो यहाँ से क्या मिलेगा नाइन बाई फोर ए स्क्वायर प्लस थ्री ए आई प्लस आई स्क्वायर यहाँ पे अपने को ए स्क्वायर आया हुआ है सो ए स्क्वायर निकाल लेते अपन सो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा ए क्या था अपना वन वन माइनस वन माइनस वन वो by को रहने देता हूँ मैं सो so, यहाँ पे ए स्क्वायर इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वन वन माइनस वन माइनस वन इफ आई ट्राई टू फाइंड ए स्क्वायर आपको दिखेगा कि यहाँ पे वन टाइम्स वन वन और वन टाइम्स माइनस वन माइनस वन सो यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे भी जीरो आ रहा है माइनस वन टाइम्स वन माइनस वन टाइम्स माइनस वन प्लस वन सो माइनस वन प्लस वन जीरो ये बी ज़ीरो है सो ए स्क्वायर का वैल्यू अपना ज़ीरो है और यू कैन से नल मैट्रिक्स ओके सो so, यहाँ पे देखो एम टू द पावर टू ज़ीरो टू टू पूछा गया था ओके सो आई कुड फाइंड आई प्लस थ्री बाय टू ए टू द पावर टू ज़ीरो टू टू ठीक है यहाँ पे सिंपल सा एक बायनमिक एक्सपेंशन लगा दो जैसे टू ज़ीरो टू टू सी ज़ीरो आई टू द पावर टू ज़ीरो टू टू और यहाँ पे थ्री बाई टू टाइम्स ए रेस टू जीरो प्लस टू जीरो टू टू सी वन ओके टाइम्स आइस रेस टू टू जीरो टू वन टाइम्स थ्री बाई टू ए रेज टू वन प्लस टू जीरो टू टू सी टू आई टू द पावर टू जीरो टू जीरो इन थ्री बाई टू ए द होल स्क्वायर अभी थ्री बाई टू दिल्स ए स्क्वायर का आगे का टर्म्स अपन इग्नोर कर सकते क्योंकि ए स्क्वायर ही ज़ीरो है सो so, ये जो पूरा टर्म है ये पूरा जो वैल्यू है इस इज इक्वल टू ज़ीरो ओके सो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा अपने को टू ज़ीरो टू टू सी ज़ीरो आई टू द पावर टू जीरो टू टू का वैल्यू तो वन ही रहेगा और थ्री बाई टू टू थ्री बाई टू टाइम्स ए डेज टू जीरो उसका भी वैल्यू वन ही है सो so, इसको वैसे ही रख देते हैं प्लस टू जीरो टू टू सी वन आई का वापस से वन आएगा लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा सो so, इसको अपन आई लिखते हैं और ये रहेगा टाइम थ्री बाय टू टाइम सी ओके अभी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एन सी जीरो एन सी ज़ीरो का वैल्यू कितना रहेगा वन प्लस टू ज़ीरो एनीथिंग C1 इज़ एन लाइक एन का वैल्यू एन आएगा सो दिस इज़ 2022 टाइम्स 3 बाई टू टाइम्स ए ए का वैल्यू कितना था वन 1 माइनस वन माइनस वन सो लेट्स सॉल्व दिस ये अपना क्या हो जाएगा वन ज़ीरो वन वन सो 1 प्लस थ्री ज़ीरो थ्री थ्री टाइम्स वन वन माइनस वन माइनस वन सो ये हो जाएगा अपना वन प्लस थ्री ज़ीरो थ्री 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 ज़ीरो थ्री थ्री माइनस थ्री ज़ीरो थ्री थ्री माइनस थ्री ज़ीरो थ्री थ्री ओके अब ये जो वन है वन को मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के लिख सकता हूँ तो दिस इज़ वन ज़ीरो ज़ीरो वन प्लस थ्री ज़ीरो थ्री 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 ज़ीरो थ्री थ्री माइनस थ्री ज़ीरो थ्री थ्री माइनस थ्री ज़ीरो थ्री थ्री ओके सो फाइनली वी गॉट द आंसर एस थ्री ज़ीरो थ्री फोर थ्री ज़ीरो थ्री 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 माइनस थ्री ज़ीरो थ्री थ्री माइनस थ्री ज़ीरो थ्री टू लेट चेक द ऑप्शंस, सो ऑप्शन नंबर ओके, सो वी गॉट द करेक्ट ऑप्शन है इस सो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Hope you understand the lecture. We will meet in the next class. Till then, bye bye.